वेदांत स्वामी नीति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी शून्यवादी पश्चात हरे इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा यह आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति बृहस्पतिवार अर्थात एवरी थर्सडे को हमारा ये जो प्रोग्राम होता है जिसमें देश विदेश से भक्तगण अपने जीवन की समस्याओं को लेकर अपने अध्यात्म जीवन भक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार की उत्सुकता या प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम अभी कार्यक्रम चालू होने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग हमारे बीच में जो तीन महानुभव भक्तगण आए हैं तो उन सबसे थोड़ा परिचय करवा लेते हैं। तब तक आप लोग जो हमारे नंबर स्क्रीन में प्ले हो रहा है 6297773729 इस नंबर पे आप लोग अपनी किसी भी तरह का प्रश्न भेज सकते हैं और हमारे प्रभु जीगण उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज के जो प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हैं हमारे श्रीपाद केशव गोपाल दास प्रभु जी, तो उनको हम दो शब्द बोलने के लिए बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद की सोसाइटी में इस्कॉन जीवन में एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रभु जी का किस प्रकार आगमन या पदार्पण हुआ वो हमारे भक्तों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। मैं कैसे कृष्ण वंदन करता हूं मैं जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद की कृपा से जो प्रभुपाद पूरा वर्ल्ड वाइज में जो कृष्ण भवन में तो को प्रचार प्रसार किए तो बहुत सारे भक्त लोग अलग अलग तरीके से इस्कॉन में जुड़े हैं। मैं शुरुआत हुआ है तो मेरा जो शुरुआत हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय में हम लोग को वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था तो हमको बहुत सारे महाराज लोग गए थे तो मैं उस समय छोटा था प्रोग्राम को देखा तो मेरे को बहुत प्रभावित किया और कुछ हम लोग किताब लिए थे तो वही किताब पढ़ के मेरे को इच्छा हुआ था कैसे मैं इस भविष्य में इस फॉर्म में ज्वाइन करूँगा। फिर बाद में जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो फिर धीरे धीरे और इंटरेस्ट आया कि इस फॉर्म में ज्वाइन करे तो फिर मैं इस फॉर्म में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मायापुर में ट्रेनिंग लिया भक्त ट्रेनिंग उसके बाद प्रचार प्रसार करने का सेवा करने का मौका दिया मायापुर से। तो इसी प्रकार से आज से लगभग 20-22 साल से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अभी मैं नेपाल में प्रचार कर रहा हूँ तो 1997 में मैंने इस्कॉन में ज्वाइन किया मायापुर में और 2009 में मैं नेपाल में गया और तो प्रभु जी का जीवन एक सन्यासी का जीवन की भांति है कि ब्रह्मचारी आश्रम में है लेकिन फिर भी देश विदेश कभी बांग्लादेश तो कभी नेपाल तो कभी इंडिया तो इस प्रकार वो भ्रमण करते रह रहे हैं प्रभु जी और ये प्रचार प्रसार चल रहा है। तो इसके बाद हमारे नितंब के हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे भक्तों को दर्शकों को बताएं कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में श्रील प्रभुपाद के इस आध्यात्मिक संस्था में इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण कैसे हुआ और अपने लाइफ को कैसे प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरा पदार्पण इस्कॉन में कुछ जैसे बाकी सबका होता है कि अंधकार के अंदर प्रकाश की खोज या यूं कहें कि जीवन में कोई एक पॉजिटिविटी हमें चाहिए होती है। जब हर कुछ हमें गलत लगने लगता है तो कहीं एक कुछ दूर आशा की किरण नजर नहीं आती तो उस समय में जब मैं अपने बीटेक में जस्ट एंटर हुआ था NIT दुर्गापुर में तो उस समय में इस्कॉन के प्रभु जी आए थे शंकरशन प्रभु और उनका एक वन टाइम प्रोग्राम हुआ था तो वो देख करके मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि ये जो है क्या है ये और
खास करके जब इंजीनियरिंग में गए थे हम, तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद जैसे सबके मन की इच्छा होती है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, कुछ ऊंचा आगे बढ़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा था, उसका विपरीत नजर आ रहा था। तो उसके अंदर में यह एक आशा की किरण दिखी, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैंने भी दोनों हाथों से इसका स्वागत करते हुए वो चार साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मैं कर सकता था उस समय में उसके अंदर में मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया। उसके बाद में कॉलेज पास आउट होने के बाद में नौकरी करते करते ही दीक्षा भी ली और प्रयास करता रहा कि प्रचार में भी जुड़ा रहूं और जो मेरा सामाजिक कार्य है वो भी करता रहूं। फिर 2017 में मैं पूर्णतया इस्कॉन में ज्वाइन हो गया एज ए ब्रह्मचारी और तब से अभी तक इस्कॉन में मैनेजमेंट सेवा और इसके साथ ही साथ यूथ प्रीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सुंदर। तो हमारे संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल उनका सेवा है मायापुर धाम में। जितने सारे गेस्ट हाउस हैं हमारे मायापुर में, गदा भवन, आपका चक्र भवन, बंसी भवन, इस सब भवन का जो देश विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ पर, उसका तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि सबको किस भक्त को कैसे इंगेज करना है, कहाँ पर उनको अलॉटमेंट मतलब रूम देना है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें वैष्णव अपराध होने का बहुत बड़ा चांस होता है। लेकिन प्रभु जी वो कितना सेंसिटिव भाव से उस काम को करते हैं, सेवा को, और यूथ प्रीचिंग, प्रवचन, हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास प्रभु जी देते हैं और इस प्रकार हमारे बीच में आज आए हैं। तो आप सभी भक्तगण जो कुछ मन में प्रश्न हो आप लोग भेजिए। श्रीपाद श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आप और बचपन से अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे मेरे मन में कि ये दुनिया कैसे, किसने बनाई है, मेरे मन में प्रश्न हुआ करते थे। यद्यपि घर वाले कहते थे कि ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसी पूजा करना चाहिए, तो मेरा हमेशा से प्रश्न यही हुआ करता था कि ऐसा ही क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सामान्यतः बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते थे, तो मेरा उतना अध्यात्म में रुचि नहीं था। फिर मैं IIT क्वालिफाई करने के बाद जब एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में NIT भोपाल में, तो वहां पर कुछ भक्तों से भेंट हुआ, जहां पे जब मैंने ये अपने प्रश्न उनके सामने रखे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और मैं जब भी कोई प्रश्न पूछता और कहता कि यह कहाँ पे है, तो भक्त दिखा देते कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो हम जैसा कि सामान्यतः इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि हम वहां पे बहुत ही ज्यादा था। दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो भक्तों का व्यवहार है, जो उनकी दिनचर्या है, वो बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रकार मैंने भक्तों के संग रहने का डिसीजन लिया और धीरे धीरे जब भक्तों के संग रह के प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, तो जो मन में जितने भी जिज्ञासाएं थी, जो प्रश्न थे, वो सभी मिलते गए। और इस प्रकार ये सोच लिया कि हाँ प्रभुपाद के इस मिशन में ही क्या रहना है। और मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से मिला था, महाराज जी ने बहुत ही साधारण भाषा में कहा, देखो क्योंकि ये आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है और चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही कहा है कि प्रत्येक नगर उनका नाम
कहता है यदि ये क्योंकि भगवान मुझे लगा कि हाँ मुझे यह चीज समझनी चाहिए, तो इस प्रकार मैं इस कॉन में सम्मिलित हुआ और लोकेशन जो कुछ भी सेवाएं मिलती रही उसमें पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा Mixer is fading and it comes back. I just want to plug in two microphones into here, and if you two could share and you two could share, we'll get much better sound. It'll only take 15 seconds. Okay, thank you. Okay. Yes, this one, okay? This one we need. Yeah, that is good. That's number four. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नंबर क्यों वही तो हाँ ये चल रहा है कौन सा वाला चल रहा है आपका वाला या वो उनका वाला हरे कृष्णा Your one is working. Prabhuji? Their one is working. You have to share with Prabhuji your one. No, no. Wait a second. Wait a second. This one? That one's not working. Okay. Okay. That's okay. Great. That's smart idea. Yeah. Okay. Hare Krishna. तो सर्वप्रथम हमारे पास प्रश्न आए हैं इस्कॉन वृंदावन से माताजी का प्रश्न है आरती मिश्रा माताजी फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन माताजी का प्रश्न है माताजी का पहला प्रश्न कि व्हाट इज दी एडवांटेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब माताजी बोलना चाह रही कि कृष्ण भावना में जुड़ने से क्या लाभ होगा तो हमारा पहला प्रश्न हमारे केशव गोपाल प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा माता जी क्या नाम है माता जी आरती मिश्रा माता जी बहुत धन्यवाद है आपको प्रश्न के लिए तो आप बहुत सुंदर अच्छे प्रश्न किया जो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस तो कृष्ण भावना में तो मैं हम लोग क्यों जुड़ेंगे इसमें क्या फायदा क्या है है ना तो अभी क्या है कि ये जो जड़ जगत है जो इस संसार में हम लोग आए हैं तो
इस संसार में तो हम लोग जो भगवान को भूल के हम लोग इस संसार में आए हैं, तो हम लोग भगवान को भूल के जब इस संसार में आए हैं तो इस संसार में हम लोग बहुत सारे दुख भोग रहे हैं। इस संसार में हर आदमी कुछ ना कुछ दुख भोग रहे हैं। तो आदमी लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करने से कुछ हो सकता है, दुख का समाधान होगा, और बहुत सारे तरीका से आदमी लोग इसको समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे सोसाइटी खुले हैं इसके लिए, पूरे विश्व भर में सरकार भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि पूरा विश्व भर में कैसे चल रहा है, एक देश दूसरे देश को अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे भयंकर परिस्थिति में हम लोग हैं। तो हम लोग का जो वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है ये हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत आने से हम लोग का क्या फायदा है? तो कृष्ण भावनामृत में आने से हम लोग का यही फायदा है कि जीवन का जो हम लोग का जो वास्तविक जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग का जीवन का वास्तविक क्या प्रॉब्लम है? तो शास्त्र में बताया गया है कि ये संसार जो है दुखालय है, दुखालय मशाशतम। तो इसमें बहुत सारे दुख है, जन्म मृत्यु जरा विधि दुख दशान दर्शनम। तो बताए जाते हैं कि इस संसार में जन्म मृत्यु जरा विधि ये अत्यंत तो दुखमय परिस्थिति है। तो इसका क्या हल, हम लोग कैसे इसका समाधान कर सकते हैं? इस संसार में जन्म लेना बहुत एक कष्टकर परिस्थिति है, और मरने के समय में हम लोग जानते हैं कि कितना दुख होते हैं। कोई मरना नहीं चाहते हैं, और जरा मतलब जो वृद्ध अवस्था है, जब कोई वृद्ध हो जाता है तो जीवन में बहुत कष्ट होता है, उस समय में कोई देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि इस संसार में कितना दुखी सब जो वृद्ध हो जाते हैं तो कैसा परिस्थिति हो जाता है। फिर वेधी जो बीमारी है, बहुत सारी बीमारी, तो ये सारे प्रॉब्लम है। और एक तीन किस्म का हम लोग को क्लेश भोगते हैं हम लोग, जिसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक कहते हैं, जिसको समाधान हम लोग किसी भी तरह से हम लोग इस संसार में नहीं कर सकते हैं। इसका एकमात्र सोल्यूशन है कृष्ण भावनामृत। तो हम लोग जब कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं तो इसका हम लोग हल कर सकते हैं, इसको समाधान कर सकते हैं। तो कैसे, जो हम लोग शास्त्रों से हम लोग को पता चलेगा, वह हम लोग जब भगवान के दिव्य नाम जप करेंगे तो इस जप के माध्यम से हम लोग का जो मानसिक स्थिति को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इतना इजी कर दिया गया कि कलयुग में हम लोग को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। जैसे दूसरा युग में तपस्या करना पड़ता था, बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ता था, बहुत सारे करना पड़ता था, सैक्रिफाइस करना पड़ता था, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है बहुत ईजी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जस्ट भक्त के साथ नाचना है, गाना है, प्रसाद खाना है, बस इसी तरह से हम लोग भगवान को खुशी कर सकते हैं। कली युग में विशेष करके कली युग में नाम आधार है, भगवान के नाम कीर्तन करना है। तो हम लोग अगर ये कृष्ण भावनामृत को हम लोग के जीवन में हम लोग प्रयोग करेंगे तो हम लोग के जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान आनंदमय है और भगवान के साथ हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग भी आनंदित हो जाएंगे। भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तो उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे तो हम लोग भी आनंदित हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद को एक बार जब विदेश में गए थे श्रील प्रभुपाद प्रचार में, तो एक बार एक सांबादिक उनको प्रश्न किया जो स्वामी जी आप जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करते हैं, भक्त लोग बनाते हैं, इस्कॉन का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान कृष्ण के प्रचार करते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा पता चला कि मृत्यु के समय में जो भगवान जो कृष्ण नाम करके कोई नहीं था, कृष्ण कुछ है नहीं, और आप जितना दिन प्रचार प्रसार किया ये सब वास्तविक रूप से इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मृत्यु के समय में मेरे को पता चला कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण कुछ नाम का कुछ नहीं था,
ऐसा अगर लगा, लेकिन हम लोग का दुखी नहीं है, हम लोग को कितना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग बहुत आनंदित है। हाँ, सब आदमी लोग कितना हम लोग को रेस्पेक्ट देते हैं और हम लोग भीतर से भी बहुत खुशी हैं। तो हम लोग को मरने के समय में भी हम लोग को ऐसा कोई दुख नहीं होगा कि हम लोग को कुछ लॉस हुआ। लेकिन श्री प्रभुपाद फिर उसको प्रश्न किया, लेकिन आपको अगर पता चला कि मृत्यु के समय में आपको अगर पता चला जो कृष्ण नाम करके कोई है, भगवान है कृष्ण, और पूरा विश्वभर का मालिक वही है, और आप उसके लिए कुछ नहीं किया और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो श्री प्रभुपाद फिर उसको ऐसे प्रश्न पूछा। तो ये है वास्तविकता, हम लोग को शास्त्रों से पता होना चाहिए, पता करना चाहिए कि वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या करना है, और भगवद गीता में क्या ज्ञान दिया है उसी के अनुसार हम लोग का हम लोग के जीवन को उतारना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना में तो आंदोलन श्री प्रभुपाद इसी प्रकार से बहुत अच्छा तरीका से श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के आधार पर ये कृष्ण भावना में तो को इतना अच्छा से इस्कॉन को सभी प्रोग्राम को ये किया, कोई भी इसमें जोड़ेंगे तो उसका अभी जो वर्तमान जीवन में भी उसको बहुत सुखी रहेंगे और मरने के बाद भी उसको भगवत धाम हो जाएगा, अगर वो अच्छा से चाहेंगे तो। सिंपल, भगवान की भक्ति करना है और भगवत धाम जाना है, इस जीवन में भी खुशी है, मरने के बाद भी खुशी रहेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी भक्ति में लगिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे केशव गोपाल प्रभु जी जो विस्तार से ये चीज़ के बारे में बताया कि कृष्ण भक्ति में अगर उन्नति करना है तो उसके लिए कैसे, जो विधि निषेध या प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल देके प्रभु जी समझाए कि लाभ ही लाभ है इस संसार में, क्योंकि सिर्फ दुख ही दुख है इस संसार में, कहीं पर सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन एक मॉडल है आध्यात्मिक जगत का, जैसे नमूना होता है ना, कोई व्यक्ति बिल्डिंग तैयार करता है तो इंजीनियर पहले प्लान देते हैं, एक छोटा सा बिल्डिंग माचिस का डब्बा से तैयार करता है, किस तरह बिल्डिंग हो, यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर एक वृक्ष होगा, यहाँ पर पौधा, यहाँ पर फूल झाड़ी, इस प्रकार उसके बाद वो रूपांतरित होता है रियल में, वास्तविकता में। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत क्या है, सच्चा आनंद क्या है, उसको जानने के लिए इस्कॉन में आना है, क्योंकि इस्कॉन वो आध्यात्मिक जगत का एक नमूना है, श्रील प्रभुपाद बोले। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आए हमारे संकीर्तन प्रभु जी के लिए, संकीर्तन निताई चंद प्रभु जी के लिए। माता जी का नाम है श्रेयादान फ्रॉम कलकत्ता। माता जी का प्रश्न है कि रात क्यों होता है? नाइट मरे क्यों हो? ओह अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग? हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रश्न है व्हाट इज नाइट मेयर, मतलब रात में हमें भयानक सपने क्यों आते हैं? अच्छा अच्छा। तो असल में ये जो सपने के बारे में यदि हम बात करें तो प्रभुपाद जी कहते हैं सपने आते हैं हमें जब हम, साइंस से भी यदि हम देखें तो सपने आते हैं हमें जब हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हों। उन सपनों का लेना देना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है, यानी कि हमारे दिमाग के पीछे में क्या चल रहा है उससे लेना देना। कई बार होता है कि वो हमारे इस जीवन से संबंधित है ही नहीं। कई बार हम ऐसे सपनों में घूम रहे हैं या हम बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं या हम किसी के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बहुत धीरे भाग पा रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के भयानक सपने आ सकते हैं। तो ये जो भयानक सपने हैं कई बार है कि इसका इस जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, और कई बार है इस जीवन से भी लेना देना हो सकता है, और कई बार है कि हमारा मन कहीं पे विचरण कर रहा है और वो हमें नहीं पता कि कहाँ कर रहा है, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, हमें याद नहीं कि हमने ऐसा सोचा हो, लेकिन वो मन के अंदर गंभीर, अंदर एकदम गंभीर जगह पे, मतलब एकदम क्या बोले, एकदम अंदरूनी जगह पे कहीं पे वो ऐसे विचार में घूम रहा है। तो हमें लगता है ऐसा सपना मुझे क्यों आया? तो एक तो है कि हम शास्त्र से यदि देखें तो किसी किसी नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को ऐसा पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, और दूसरा है यदि हम आध्यात्मिक स्तर पे इसे देखें
तो हमारे पूर्व जन्म के अंदर में कुछ हमारे घटनाएं हुई हों तो वो हमारे दिमाग के अंदर में घूमती रहती हैं। भगवान जैसा कहते हैं कि जो याददाश्त है और जो भूलने की शक्ति है दोनों ही मैं देता हूँ। तो हम कई चीज़ें हमारे पूर्ववर्ती जन्मों की भूल चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इम्प्रेशंस, कुछ कहें तो बहुत ही हल्के से खड्डे हमारे दिमाग के अंदर रह गए हैं जो पिछले जन्मों में कभी हमारे साथ हुआ हो। इसका एक साधारण सा उदाहरण, जैसे कोई हो तो वो बहुत ज़्यादा पानी से डरता है या ऊंचाई से डरता है या आग से डरता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो क्यों डर रहा है, लेकिन वो डरने का एक कारण रहता है, उसे हम साइंस बोलता है उसे फोबिया। तो उसका एक कारण रहता है कि पिछले किसी जन्म में उसके साथ उस चीज़ को लेकर के कोई दुर्घटना हुई हो, या तो हो सकता है कि वो उसी की वजह से मर गया हो, उसकी मौत हुई हो पानी में डूब के मरने से। तो वो एक खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ है। तो अगले जन्म में नॉर्मल चीज़ें सारी मिट जाती हैं, पर जो बहुत डीप इम्प्रेशंस, डीप रूटेड इम्प्रेशंस होते हैं वो कुछ बच जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये कभी कभी हमारे ख्याल में, सपने में, डीप सपनों के अंदर में, जब हम क्या बोलें, बहुत ही गहरी नींद में हैं, तब जा कर के कभी ये उभर के आ सकती हैं। इसे हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि ये मेरे साथ ही हुआ था कि नहीं, क्योंकि इसे प्रूव करना, इसे प्रमाणित करना कि हाँ ये मेरे ही पूर्व जन्म में हुआ होगा बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ सही भी होता है कि हाँ वो पूर्व जन्म की स्मृति होती है, जैसा हमारे कुछ मूवीज़ के अंदर में दिखाया गया था। जैसे बहुत पुरानी एक मूवी है, यदि सुनी हो आप लोगों ने, करण अर्जुन। तो पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है वो शायद मैंने अपने बचपन में कभी हॉल में, वही एकमात्र मूवी है जो मैंने देखी थी, जो मुझे याद भी नहीं कि क्या थी, बाद में मैंने टीवी पे देखी तो मुझे याद आई, तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो वो बहुत पुरानी मूवी, तो उसके अंदर में ऐसी घटना दिखाई गई थी। तो कह सकते हैं कि ये हमारे जन्म से रिलेटेड हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, प्रमाणित करना मुश्किल है। अब आने के कारण इसके बहुत हैं कि हमारा दिमाग जो है वो जब बहुत निश्चिंत होकर के विचरण करने लगे, गंभीर नींद या यूं कहें गहरी नींद का मतलब यही है कि आप बहुत आराम से विचरण कर रहे हैं, मन को खुला छोड़ दिया है आपने, तब वो किसी भी ख्याल को लेकर के उसके ऊपर में कुछ भी बुन भी सकता है अपने आप से, या फिर कोई पुराने कहते हैं, साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में खड्डे हैं, तो कोई एक पुराना ख्याल उस खड्डे में से बाहर निकल के आकर के घूम रहा है, तो इसी वजह से आते हैं। अब इससे मुक्ति, यदि मेन प्रश्न हमारा होना चाहिए, हमें यदि आ रहे हैं ऐसे भयानक सपने जिससे हम रात को हो सकता है पसीने पसीने हो जा रहे हैं कि कैसा आया, सुबह में दिमाग खराब हो जा रहा है कि ऐसा मैंने क्यों देख लिया, तो उसे बचे कैसे? तो बचने का उपाय बहुत सुंदर, मैंने जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और कॉलेज में मैं बेस में रहता था, तो वहाँ एक डिवोटी को मैंने देखा था ऐसा करते हुए, मेरे साथ के ही कलीग हैं, उनको देखा था कि सोने से पहले वो पूरा का पूरा मंगलाचरण जो है उसका पाठ किया करते थे। मंगलाचरण का मतलब है उसके अंदर में प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, उसके अंदर वैष्णव प्रणाम मंत्र, उसके अंदर राधा माधव का प्रणाम मंत्र, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, सारे प्रणाम मंत्र वो बोल करके उसके बाद में सोने जाया करते थे। और ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और इसके बाद मैंने उनसे पूछा था ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए करता हूँ। तो उनको शायद था, उन्होंने खुल के कभी बताया नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि यदि हम सोने से पहले ऐसे प्रणाम करके सोएं सबको, ये हमारी वैदिक सभ्यता में भी है। तो भक्ति जीवन के अंदर में यदि हम वो पूरा मंगलाचरण का पाठ करके सारे आचार्यों को और विग्रहों को प्रणाम करके सोएं, तो उनकी कृपा आशीर्वाद से हम इस चीज़ से अवश्य बच सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो सुंदर सा हमारे संकीर्तन निताय चांद प्रभु जी बताए, उदाहरण के साथ दिए कि कैसे होता है ये, कि पूर्व जीवन के कुछ संस्कार के कारण ऐसा होता है। और इसके लिए उतना चिंता नहीं करना है कि क्यों देखा मैंने, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि क्या होगा, अरे सपना सपना होता है। चलो प्रभुपाद तो एग्जाम्पल देते कि दोनों ही सपना है, एक होता है दिवा सपना, एक है रात्रि सपना। पूर्ण आपका एक पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उसमें शिल प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि हम लोग रात में सपना देखते हैं कि हम लोग बहुत धनी है या बहुत गरीब है, तो शिल प्रभुपाद का आंसर था कि आप ना धनी है ना गरीब है, क्योंकि एक रात का सपना होता है एक दिन का सपना होता है। एग्जाम्पल, जैसे रात में जब आप सो जाते हैं तब तो आपका स्थूल शरीर सो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भ्रमण करता है ब्रह्मांड में, सपनों की दुनिया में। और जब दिन में आप जागे रहते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर सो जाता है और स्थूल शरीर में आप भ्रमण करते हैं। तो ना आप स्थूल शरीर हो ना सूक्ष्म शरीर हो, दैट मीन्स बोथ आर निद्रा, मतलब दोनों ही
सपना है, चाहे दिन का सपना हो रात का सपना हो, तो जो भी है प्रभु जी सब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो अंत में जो सॉल्यूशन दिया वो ये है, पूरा सारांश जो बताए कि हम लोगों को ये जो मंगलाचरण है सोने से पहले या जब जागते हैं हम लोग सुबह सुबह, ये मंगलाचरण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रभु जी जो बताए कि इसमें गुरु प्रणाम है, वैष्णव प्रणाम है, समस्त अनंत कोटि वैष्णव प्रणाम है, राधा माधव का प्रणाम है, जैसे वंदे ओम श्री गुरु श्री जूता पद कमलंग श्री गुण वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जाते हैं, ये जो पूरा डिटेल इसमें गुरुदेव से लेकर राधा कृष्ण तक जो पूरा परंपरा है, तो इसीलिए मंगलाचरण बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं हमारे प्रभु जी प्रवीण प्रभु जी के लिए। प्रश्न है कमल शाह फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से। प्रभु जी का प्रश्न कि यदि संतों या भक्तों का सान्निध्य कोई साधक को ना मिल पाए तो साधक को क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रभुपाद लगभग आज के 50 वर्ष पहले यहाँ से डिसअपियर हुए, तिरुभाव हुआ, परंतु हम देखते हैं कि उनका एक छोटा सा उनके जीवन काल का एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार वो फॉरेन से इंडिया आए और अपने गुरु महाराज के समाधि यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज के समाधि के सामने से जा रहे थे और शायद उन्होंने उस समय प्रणाम नहीं किया, तो उनके जो गुरु भाई थे बहुत सारे लोगों ने ऐसा आलोचना किया कि क्या अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए था, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी इतने बड़े साधक इतने बड़े भक्ताचार्य को। तो फिर एक शिष्य ने प्रभुपाद से ऐसा कहा, तो प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मेरे साथ मेरे गुरु महाराज नहीं थे, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु की हम दो तरह के सेवा कर सकते हैं, एक वाणी से एक वपू से। तो इसी तरह यदि हम किसी का साधु का सान्निध्य चाहते हैं तो वपू से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है। और वाणी का अर्थ कैसा है, या तो हम ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, हमारे पास जैसे प्रभुपाद की किताबें हैं या फिर अनंत जो साधुगढ़ हैं आचार्यगढ़ हैं उनकी किताबें हैं, तो हम इस प्रकार भक्तों से कभी कभी दूर रहते हुए भी भक्तों का सान्निध्य ले सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जो प्रभु जी बताएं कि हम लोग जहाँ भी रहे भक्तों से दूर भी रहे, जैसे श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल देके प्रभु जी समझा दिए कि श्रील प्रभुपाद अपने हृदय में सर्वदा अपने गुरुदेव को हृदय में धारण करके रखते थे। तो दो तरह का सेवा होता है गुरुदेव का, एक है वाणी एक है बपू जो प्रभु जी बताए। तो बपू जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते कि बपू तो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, कुछ दिन हम लोग शरीर में हाँ चलिए गुरुदेव को थोड़ा ये सब्जी परोस से फिर अचार दे चटनी दे इस प्रकार जो सेवा है वो तो कुछ देन के लिए, लेकिन वाणी सेवा जन्म जन्मांतर तक होता है। तो इसीलिए हम लोगों को वाणी सेवा अर्थात दूर का सेवा है लेकिन इटर्नल है नित्य है। तो यही चीज़ करना है हम लोग दूर में हो जहाँ भी हो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग भक्तों का लेक्चर सुन सकते, जिससे आप अभी जो प्रश्न किए कैसे हुआ, ये तो आप संतों का संग कर रहे हैं ना, आप YouTube के माध्यम से हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव मायापुर TV के द्वारा, मायापुर धाम का दर्शन कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का दर्शन कर रहे हैं। तो यही तो साधु संघ है। व्यासदेव की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिला और धृतराष्ट्र घर में बैठे थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र में, कहाँ कुरुक्षेत्र, कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ हरियाणा, कहाँ दिल्ली, लेकिन वो तो टीवी के माध्यम से टेलीविज़न दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे थे। तो ऐसे ही दूरदर्शन यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देख रहे, ही साधु संघ है, चीज़ को समझना है। तो हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न है केशव गोपाल प्रभु जी के लिए। प्रभु जी साकेत कुमार फ्रॉम नैरोबी साउथ अफ्रीका, हाँ नैरोबी से प्रश्न आया है हाउ टू शिफ्ट पर्पस इन लाइफ फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हेन यू आर इन मेड एज ऑफ योर लाइफ, MID मेड मिड एज ऑफ, हाँ मिड एज वयस्क
हो रहे हैं, मतलब यूथ एज के हैं, वयस्क हैं, मतलब वयस्क होने के समय में आप कैसे जड़ जागतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को शिफ्ट करें। अच्छा, जीवन का लक्ष्य यूथ को मिड एज मतलब तो 30 कहने का मतलब वो वही बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अभी उनका उम्र है 40-42, तो ऐसी अवस्था में अभी वो भौतिकता में तो है ही क्योंकि पढ़ाई किए है, अभी जॉब कर रहे हैं, तो अभी पूर्णतः 100% कैसे कृष्ण की सेवा में लगे, उनका यही बोलने का भाव है। हरे कृष्ण। साकेत कुमार। साकेत कुमार प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद है प्रश्न के लिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो आपका जो प्रश्न है, जो हम लोग इस जो इस अवस्था में जब हम लोग भौतिक जगत में तो है ही, जब एक पर्टिकुलर उम्र में जैसे 30 के बाद बा उसके आगे पीछे जो भी हैं, ठीक युवा अवस्था, उसके बाद आप कैसे भक्ति में लग सकते हैं। हाँ, तो भक्ति में लगना बहुत किसी भी उम्र में आप लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई उम्र है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज, उसने जब मातृ माँ के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे, तब वो श्रीमद् भागवतम सुने थे नारद मुनि के मुख से, फिर वो गर्भ से भक्ति करना शुरू कर दिया, मातृ गर्भ से। इस प्रकार ये भक्ति जो है ये किसी भी उम्र में वो कर सकते हैं। और भक्ति का मतलब श्री प्रभुपाद ने बताया कि इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप जो कर रहे हैं अब भौतिक जगत में जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उसको आप करते रहिए, लेकिन आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ क्या छोड़ना पड़ेगा? चार चीज़ को आपको छोड़ना है, आपको प्रयास करना है। अगर आप आपको चार नियम जो है उसको पालन करना है, जो मांस मासु ये सब नहीं खाना है, रक्षी जो दारू है वो सब नहीं पीना है, धूमपान नहीं करना है, और अवैध संबंध नहीं रखना है, ये चार चीज़ को आपको नहीं करना है। और बाकी आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ कृष्ण को जोड़ना है। तो भगवद गीता में भी भगवान भक्ति जो वहाँ पर बताए कि देखिए कुछ भक्त तो ऐसा होता है कि फुल सरेंडर हो जाते हैं भगवान के मेरे चरण में, तो वो तो बहुत अच्छे हैं, वो फुल सरेंडर जो हो गया ऑलरेडी, वो तो अवश्य भगवान बोले कि मैं उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा नहीं है तो अभ्यास कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, हाँ, और अभ्यास कर सकते हैं। फिर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो जो भी कर रहे हैं उसका कर्मफल मेरे को दे सकते हैं। तो मेरे को पता नहीं आप कौन उम्र क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी करें, अब जो भी करें उसका कुछ सदुपयोग, आप आपका अगर आपके पास ज़्यादा मनी है तो वो पैसा आप कुछ उसमें भगवान के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका वो नहीं है तो आपका अगर फिजिकल बॉडी है इससे आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, और अगर आपको वो भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप भगवान के भक्त लोग को हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, ये आपको अभ्यास करना है। तो आपके अगर आसपास में अगर कोई इस्कॉन मंदिर होगा, कोई इस्कॉन मंदिर होगा तो वो इस्कॉन मंदिर के भक्तों के साथ आपको जोड़ना चाहिए, और वो लोग आप लोग को प्रैक्टिकल और बताएंगे जो कैसे आपको भक्ति में आगे बढ़ना है आपके परिस्थिति के अनुसार। भगवद गीता में भगवान बताए कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करते रहो, युद्ध करते रहो। और भगवान ऐसा अर्जुन को नहीं बताया कि आपको युद्ध छोड़ देना है, बोले जब अर्जुन सोच रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा, हाँ मैं जंगल में जाऊंगा, ऐसे सन्यासी को तरह जीवन बिताऊंगा, लेकिन भगवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारा जो गुण के द्वारा तुम परिचालित हो रहा है उस गुण के अनुसार तुमको करना है, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको लड़ाई करना है। तो श्री प्रभुपाद वहाँ पर तात्पर्य बताया कि हम लोग को वृत्ति को चेंज नहीं करना है, हम लोग को वृत्ति को चेंज नहीं करना है, आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन कॉन्शसनेस को चेंज करना है। जैसा आप अभी जो भी कर रहे हैं, आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस पैसा से मैं
अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा गाड़ी खरीद करूंगा और अच्छा एंजॉय करूंगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन उसको आपको थोड़ा सा ये करना है, आपको घर बनाना है, अच्छा है तो घर आप बनाना चाहते हैं तो किसके लिए? कृष्ण के लिए आपको बनाना है। मैं कृष्ण के लिए घर बनाऊंगा। अब गाड़ी लेना चाहते बहुत अच्छे है, तो वो कैसे करना है ना, मैं कृष्ण के मंदिर में जाने के लिए व भक्ति करने के लिए मैं गाड़ी खरीद करूंगा, जो भी। तो इस प्रकार से आपको जो भी है वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में डाइवर्ट करना है, ये। और इसमें आपको बहुत आनंद मिलेगा। अब जब भगवान की सेवा में कुछ भी करेंगे, आप फिजिकली हो, आप मेंटली हो और आप इकोनॉमिकली हो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हम देखें बहुत सारे भक्त, जब भक्त नहीं था तब तो बहुत पैसा कमाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिलता था उसको, हस्बैंड वाइफ में नहीं मिलता था। हम लोग देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसके पास भी ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे पैसा कमाते हैं, वो लोग ज़्यादा दुखी रहता है, कोई कुछ किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो कृष्ण से दूर में है। अगर कृष्ण से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा भी इनकम करेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। इसलिए आप जो जो भी उम्र में हैं वो कोई मैटर नहीं है, आप जैसा भी परिस्थिति में है, जो भी उम्र में है, हाँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए जो भक्ति कोई भी कुछ कर सकते हैं, स्त्री शूद्र तथा वैश्य कोई भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, कितना छोटा से छोटा जाति। श्रीमद् भागवतम में फिर बताया गया है कि जितना भी छोटे से छोटे जितना भी जन्म को उतना महत्व नहीं दिया गया है, उसे कर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आपको प्रयास करना है कि आपके अगर नज़दीक में अगर कोई इस्कॉन टेम्पल है तो उसके साथ आपको जोड़ना चाहिए। एक अगर आपके पास इस्कॉन टेम्पल नहीं है, बहुत दूर में है, तो आप इस प्रकार से भक्तों के साथ संगत करते रहिए। और प्रभुपाद का जो किताब है ये आप कुछ लीजिए और इसको आप पढ़िए तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। अब बहुत सारे पैसा तो इधर उधर खर्चा होता है, थोड़ा सा पैसा खर्चा करके आप प्रभुपाद का किताब लीजिए, उसको पढ़िए, आप देखेंगे बहुत सारे आपको आनंद मिलेगा, सब कुछ का आंसर आपको और क्लियर मिल जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी जो आशीर्वाद के रूप में हमारे साकेत कुमार प्रभु जी को दिया कि इतना दिन 1996 को ना इस्कॉन में आपका पदार्पण 97 तो 1997 लगभग आप ही के उम्र का है, 41 उनका भी, तो वो इस्कॉन से वो भी कम से कम 10 साल हो गया। और वहाँ पे नैरोबी में सेंटर है, इस्कॉन मंदिर है सामने ही, तो वो जैसे ही देखिए भक्ति जीवन में होता है ना, कभी कभी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमारा मन मायूस हो जाता है, इसलिए भक्तों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप अपनी कृपा वर्षण की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी का चलिए एक दूसरा प्रश्न आए हैं, प्रश्न आए हैं ब्रोकन है, क्या नाम है, नाम नहीं दिया है। हरे कृष्ण प्रभु, भक्ति से जखन परिवारे बांधा हो तखन की करा उचित, की करे तादर बोझाए कृष्ण भक्तिर महत्व। मतलब भक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, पत्नी कभी गाली देते हैं तो बच्चा रोता है तो बोलते सब समय हरे कृष्ण करते रहते, तो विभिन्न प्रकार का ताना सहना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में कैसे उन लोगों को समझाऊं कृष्ण भक्ति की महत्ता। संकीर्तन प्रभु आपके लिए। हरे कृष्ण। तो प्रश्नटा आपने बांग्ला करे ना, मैं हिंदी बोल छी। हम लोगों को जीवन में जब ऐसी तकलीफ हो कि हमें दूसरा टेस्ट लग जाए और हमारे आसपास के लोगों को दूसरा टेस्ट लगता हो, तो ये एक बहुत ही व्यापक समस्या है। ये केवल एक स्तर पे नहीं, यूँ कहें कि हर स्तर पे ये फैली हुई समस्या है कि एक घर के अंदर में किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। यदि एकदम छोटे स्तर से देखें तो एक टीवी है घर में, सास को कुछ और पसंद है और बहू को कुछ और पसंद है, और उसको लेकर के भी वो लोग लड़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि टेस्ट का फ़र्क। ठीक है, अब हमें जब भक्ति में आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, कृष्ण भक्ति जो है वो सर्वोत्तम है, इससे उच्चतर टेस्ट कुछ नहीं है। और इस जीवन में जब भी हम कुछ भी अच्छा अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये भी ले, वो भी ले, मेरे सब लोग लें, ये मेरे आसपास के सबको मैं टेस्ट कराऊं।
जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग यदि कोई मूवी देखते थे, कोई अच्छा किसी ने यदि मूवी देखी तो वो सबको उसकी माउथ पब्लिसिटी करेगा कि हाँ वो देखनी चाहिए, या फिर कहीं और अच्छा रेस्टोरेंट खुला है वहाँ खाने खाना उसने टेस्ट किया है वो सबको बोलेगा कि हाँ वहाँ जाके ज़रूर से खाना खाना चाहिए, वो प्रमोट करेगा। तो ऐसे ही हम कृष्ण भक्ति को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन जब घर में परिवार में ये बात आती है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही संवेदनशील है वो एरिया। आप यदि जा करके हाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कृष्ण भक्ति, मेरी पत्नी तुम्हें भी करना चाहिए, मेरे बच्चे तुम्हें भी करना चाहिए, हो सकता है कि वो बाद में इतना बुरा तरीके से ख़त्म हो कि शायद आपका परिवार ही पूरा नष्ट हो जाए उसके लिए। तो उसे आप बहुत ही संवेदनशील तरीके से पहली बात तो उसे आप हैंडल करें। सबसे बेस्ट इसके अंदर में ऑप्शन ये रहता है कि आप जहाँ से प्रचारित हो रहे हैं आसपास किसी सीनियर भक्त से जो आपके बारे में जानता है उनसे घर में प्रचार करवाएं। स्वयं यदि आप जरूरत से ज़्यादा प्रचार कर देंगे घर पे तो घर पे सिर्फ महाभारत होगी और कुछ नहीं। तो पहला नियम ये एक गृहस्थ के लिए यही है कि वो घर को जोड़ के रखे। तो उसके अंदर में यदि आपकी पत्नी का आपके ऊपर से मन हट जाए या विश्वास हट जाए या आपके बच्चों का आपके ऊपर से भरोसा हट जाए ये तो पिताजी तो ऐसे ही करेंगे, तो आप उसे वापस बहुत मुश्किल से पा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि कैसे हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। पहला तो है खुद को बचाओ, दूसरे को बचाना बाद में। आप हम सब यदि दलदल में फंसे हैं तो मैं फंसा हूँ, मेरे आसपास के सारे मेरे लोग फंसे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं दूसरे को पहले निकाल लूँ, तो मैं नहीं निकाल सकता। पहले मुझे खुद एकदम बाहर सेफ पहुँचना है, किसी तरह अपने आप को बचाना है। चाचा आपन के बचा नीचे के आगे, पहले मेरे को खुद को बचाना है, उसके बाद मैं दूसरे को हाथ दे करके बचा सकता हूँ। और यदि मैं भी डूब रहा हूँ वो भी डूब रहा है और मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उल्टा मैं बचा नहीं रहा हूँ, मैं तो डूब ही रहा हूँ उसको भी लेकर डूब रहा हूँ। तो अभी आप उसे कुछ ऐसा ना करें, बल्कि कैसे उसे आगे जा सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण एक छोटे ग्रंथ में दिए हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद बियॉन्ड बर्थ एंड जन्म मृत्यु से परापरे ऐसे बुक में है कि कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं तो वो एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी हुई है उसका कोई प्रेमी था, ठीक है, और उसकी शादी किसी और से हो गई है। तो अब उसके मन में अपने पूर्व प्रेमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन वो ये प्रकाशित नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उस घर के सारे काम बहुत सुंदर तरीके से करती है, एक्सीलेंट वे में करती है सारे काम, कि वो पति को जरा सा डाउट ही ना हो और उसे लगता है कि यही मेरी सबसे सुसंस्कारी और सबसे अच्छी पत्नी यही बन सकती है, ऐसे वो भरोसा जीतती है। लेकिन मन के अंदर उसके हमेशा अपने प्रेमी का चिंतन चलता रहता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब इस माया के संसार में हैं तो हम बाहर के जो कार्यकलाप हैं वो इतने सुंदर तरीके से करें कि कोई अभी कभी कृष्ण भक्ति के ऊपर ये उंगली ना उठा सके कि ये तो निकम्मा है या ये नहीं कर सकता, ये तो बाबा जी हो गया है, ऐसा कुछ ना कहे। हमारे वो सारे कर्म जो हैं वो एकदम एक्सपर्टली रहें जहाँ पे हम हैं स्थित, और उसके साथ साथ ये जो भक्ति है ये हम अपने मन में करें। अब व्यवहारिक तौर पे आप कैसे कर सकते हैं, तो आपकी जो अपनी भक्ति है उसे आप किसी तरीके से छुपा के, यदि आपको लगता है कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं इससे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप जप करें, तो आप उनके उठने से पहले अपनी माला जप करना ख़त्म करें। उनके उठने के बाद हो सकता है उनके सामने आप दो माला ही जपें या चार माला ही जपें, बाकी की आप यदि 16 माला करते हैं तो बाकी की 12 माला उनके उठने से पहले कर दें। वो जब खाना बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नाज नखरे ना करें, ये ना कहें कि हाँ पहले भोगी लगाओ, बल्कि खुद से आप ये कहें कि मैं पहले खाऊंगा, और खुद की थाली सजाएं पहले, उसे ले जा करके भोग लगाएं, उसके बाद वापस ला करके उसमें मिक्स कर दें। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप खुद से चेष्टा करें, आप उन्हें ज्ञान ना दें। जब आपका दृढ़ निश्चय और आपके अंदर का परिवर्तन, ये एक चीज़ है जो उनको बाद में जा करके उत्साह दे सकता है कि हाँ हमें ऐसा बनना चाहिए। लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आप खुद त्रस्त हैं अपनी समस्याओं से और आप सोच रहे हैं कृष्ण भावनामृत जो है वो मेरी समस्त समस्याओं का समाधान कर देगी, ग्रह कलेश को निपटा देगी, सब कुछ इसी से हो जाएगा, सबको मैं बोल रहा हूँ करो करो करो, अरे करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो, करो। ऐसे करने से ये एक तरह से यूँ कहें तो अंधा आदमी तलवार चला रहा है, तो लगी किसी और को नहीं तो खुद को भी लग गई। तो उसे यदि आप प्रॉपरली सही तरीके से हैंडल करें
तो बहुत अच्छे से आप इससे रिकवर होते हुए एकदम सक्सेसफुली आप इससे बाहर आ सकते हैं। और इसमें आपको सहायता लेनी चाहिए, जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे आपको जो आपको जानता हो, कोई सीनियर भक्त आपके पूरी परिस्थिति को जानता हो, उसको जा करके आपको बताना चाहिए कैसे कैसे क्या हो सकता है, तो वो आपको इसमें ठीक से गाइड कर पाएंगे। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, पर आपका एक स्पेसिफिक पर्सनल आपके लिए सिर्फ केवल मात्र क्या उपाय होना चाहिए वो आपको वो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कारगर होगा, वरना हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बता दिए कि कैसे कैसे क्या करना है, अभी आपको इसको रिपीटेडली फॉलो करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी के लिए कि मैं अपने चित्त को कैसे शुद्ध करूं? सब कहते कि अपना चित्त शुद्ध करो, अपना चित्त शुद्ध करो, लेकिन चित्त किस तरह शुद्ध करना है कोई नहीं बताता। कमल शाह फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। प्रश्न इतना सुंदर है मुझे और एक बार पढ़ने को मन कर रहा है। मैं अपने चित्त को कैसे शुद्ध करूं? सब कहते हैं कि अपना चित्त शुद्ध करो, अपना चित्त शुद्ध करो, लेकिन चित्त किस तरह शुद्ध करना है कोई नहीं बताता। बोल, आप बताइए। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली हम इस भौतिक संसार में हैं तो सामान्यतः सभी का चित्त ऐसे भौतिक चीज़ों से संलग्न होने के कारण दूषित होता है, परंतु भक्ति की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमारा जो चित्त है, मन है, वो शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा, अगर भगवद गीता में भी देखेंगे तो किस चीज़ के लिए क्या कहते हैं उन्हें, ऑफर करो मन, है ना, मन मना भव मत भक्तो, तो हर जगह मन और चित्त की ही बात की गई है। तो प्रश्न उठता है कि शुद्धिकरण फिर कैसे हो, क्या यह संभव है कि नहीं, है ना। तो हमें जैसा पता है कि इस कलयुग में संकीर्तन सबसे उत्तम तरीका है जिससे हम अपने मन और चित्त का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे प्रभुपाद के समय, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उस समय वहाँ हिप्पीज़ का कल्चर था, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं हजारों हजारों लोग ऐसे थे जो हिप्पीज़ कल्चर को फॉलो करते थे, परंतु प्रभुपाद की कृपा के कारण हम देख सकते हैं वो इस्कॉन से जुड़े, प्रभुपाद साधु की सेवा करना शुरू किया, भगवद गीता को सुना और फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगे। और ऐसे लोग भी जो उस कल्चर को फॉलो कर रहे थे वे बाद में शुद्ध वैष्णव बने। यद्यपि आजकल हम देख भी सकते हैं भारतवर्ष में ऐसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ऐसे बाहर के जो दूसरे देश के लोग हैं वो कैसे वैष्णव बन सकते हैं, परंतु हम देख सकते हैं भक्तों की यदि कृपा हो और हरे कृष्ण महामंत्र का अगर निरंतर कोई जप करे और भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करे तो निश्चित रूप से ही हम चेतना में शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये तो रही दूर की बात, परंतु अगर हम, मैं खुद भी अपने जीवन का बात करूं या फिर हम सामान्यतः अपने जीवन का ही बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तों का संग लिया और हम किस शैली में जीवन जी रहे थे। जैसे मैं अपना पर्सनल अगर शेयर करूं तो जब मैं, जैसे बता रहा था कि मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं सामान्यतः जो हमारे कॉलेजेस में होता है भोग वृत्ति होती है उसको फॉलो करें कि हम भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दें, हम भी स्मोक करना स्टार्ट कर दें, कुछ भी ऐसे ऐसे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, परंतु दूसरा तरह था कि हम भक्तों का संग करते, भगवद गीता भागवतम का पाठ करते, जप निरंतर करते, तो हम देख सकते हैं मेरे पर्सनल जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो मेरी तरफ से एक बस यही सिंपल सा उत्तर है जो कि मैंने भक्तों को देखा है, सुना है और समझा है। तो इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ भक्त जन हैं, अगर वो कुछ ऐड करना चाहें। हरे कृष्ण। कुछ ऐड करेंगे क्या प्रभु जी? ठीक है, चलिए। एक्चुअली प्रभु जी जो आंसर दिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु भी बताए कि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को मार्जन करना है तो कैसे होगा? हरिनाम के परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो हम लोग का जो चित्त रूप दर्पण है, ये दर्पण बहुत इसमें गहरा दुर्गंध है, तो इसको
भगवद गीता में भगवान बताए कि देखिए किसी का चित्त इतना गहरा उसमें गंदगी है, तो तीन प्रकार के उदाहरण दिया। जैसा कोई जैसे मान लीजिए कोई मिरर है, कोई आईना है, उसके ऊपर जैसा धूल पड़ा हुआ हो, एक उदाहरण दिया, तो उसको क्या करने से उसको पर्टिकुलर थोड़ा सा अगर हम लोग फू देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, है ना, उसको सफाई हो जाएगा। फिर और एक उदाहरण दिया कि जैसा अग्नि जैसा दिखाई देता है कि उसमें धुआं है लेकिन अग्नि को दिखाई नहीं देते हैं, तो अग्नि उसको फू देने से वो अग्नि जल जाते हैं, हवा देने से। तो इसी प्रकार और एक परिस्थिति होता है जो कोई मान लीजिए गर्भ में है, जरायु तो गर्भ में है, तो उसको नहीं तो ऊपर से सफाई करने से होगा, नहीं तो फू देने से होगा, उसे तो पर्टिकुलर टाइम में होगा। तो इस प्रकार हम लोग का जो चेतनाएं है, ये चेतनाएं बहुत सारे जन्म का जो हम लोग को संस्कार है, इस संस्कार इस चेतना में हम लोग के है। तो नॉर्मली हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ कुछ भक्तों ऐसा दिखाई जाते हैं, कुछ कुछ आदमी लोग थोड़ा सा भक्ति के साथ जोड़ जाते हैं, मान लीजिए मायापुर आया, थोड़ा सा भक्त संगत किए हैं तो तुरंत भक्त बन जाते हैं। तो समझना चाहिए कि उसका चेतना इतना गहरा फोर नहीं था, दुर्गंध नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन थोड़ा सा फू दिया उसे हवा लग गया तो वो भक्तों में भक्ति जीवन में आ गया। और दूसरा तरह से जैसा कि कुछ भक्त लोग ऐसा है कि मायापुर आ रहा है जा रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भक्त लोग उसको मल जल कर रहे हैं, आशा से देखभाल कर रहे हैं, धीरे धीरे भक्त बन जा रहा है। तो उसको समझना चाहिए वो थोड़ा सा और ज़्यादा था, उसके भीतर फोर था लेकिन सफाई हो गया। और कुछ तो ऐसे आदमी हैं कि वो इस्कॉन में आता है जाता है, हरिनाम भक्त संगत भी कर रहे हैं, प्रसाद भी खा रहा है, फिर भी उसका चित्त सफाई नहीं हो रहा है। तो इस अगर ऐसा परिस्थिति है तो इसको तो बहुत सारे टाइम लगेगा। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम कौन परिस्थिति हैं, और अगर आप प्रयास करें कि आपको चित्त को आप सफाई करने के लिए, तो आपको वही है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, आपको साधु संग करना है, आपको धाम में आना है और प्रभुपाद का किताब पढ़ना है, भगवान के प्रसाद खाना है, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे धीरे धीरे चित्त सफाई हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो बोल रहे थे कि जो प्रभुपाद सबका ब्रेन वॉश कर रहे, तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे थे हाँ आप लोग का अगर ब्रेन में अगर फोर है तो उसको वॉश करना तो जरूरी है, तो मेरा काम है आपका जो फोर है ब्रेन में उसको सफाई करना। तो चित्त को मार्जन करने का यही उपाय है, और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे सफाई हो जाएगा। ऐसा एक दिन में नहीं होता है, कभी टाइम लगता है। जैसे हम लोग कोई फैन चल रहा है बहुत स्पीड में, अब स्विच ऑफ कर दिया तो तुरंत वो फैन तो ऑफ नहीं होगा, कुछ समय तो चलेगा। इस प्रकार आप वो सब स्टॉप कर दीजिए, फिर कुछ दिन चलेगा लेकिन धीरे धीरे आपका वो चित्त ठीक हो जाएगा। तो प्रभु जी भी, प्रवीण प्रभु भी बहुत अच्छे आंसर दिया, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे भक्ति जीवन में आए हैं वो भी, हाँ, और ये भी आप ऐड करके देखिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे केशव गोपाल प्रभु जी एंड प्रभु प्रवीण प्रभु जो विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझाए कि जैसे प्रभु जी फूंक का उदाहरण दिया, बार बार तीन चार बार रिपीट हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रभु जी एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा कोई व्यक्ति आता है भक्ति जीवन में और तुरंत वो निष्पाप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना, किसी जैसे मोटरसाइकिल चलाते कोई, तो कोई कोई कपड़ा रखता है और सीट को मुछने के लिए, और कोई कोई जैसे मैं जैसे फूंक मार देता, तो फूंक मारने से वो चलता, इससे पता चलता है कि सुबह ही चलाए थे तो थोड़ा सा धूल लगा है, जस्ट फूंक मारने से चला जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं दूसरे जगह जाएँ और फिर एक महीना के बाद आएँ, उसको फूंक मारने से क्या जाएगा? नहीं, उसके लिए कपड़ा से घिसना होगा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो प्रभु जी बताए, हमारे जीवन में विभिन्न जन्मों का संस्कार है, जन्म जन्मांतर का पाप इकट्ठा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जैसामंत गतंग पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंद मोह निर्मुक्ता भजन तिमंग दृढ़ बढ़ता। तो जब तक हमारा यह पाप राशि खत्म नहीं हो जाता, जब तक पुण्य कर्मों में हम लोग लग नहीं जाते, तब तक ये धर्म भक्ति ये कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए
ये जो जितने सारे भक्तगण हैं हमारे इस्कॉन में, जैसे हमारे दो प्रभु जी है, मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से भी कितने बड़े चढ़े हैं, बहुत आर आईआईटी इंजीनियर बीटेक, एक है आईआईटी दुर्गापुर, एक है आईआईटी खड़गपुर, और हमारे प्रभु जी के सौगोपाल प्रभु जी तो है ही, देश विदेश जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, तो अच्छा है। तो अभी हमारे नेक्स्ट प्रश्न आप ही के लिए है। प्रश्न है कि महामंत्र जप करता हूँ, चार नियमों का पालन भी करता हूँ, फिर भी स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण हो जाता है, बुद्धि जानती है कि ये गलत है, थोड़े समय के लिए मन पर नियंत्रण भी हो जाता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं हो पाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केवल मुझे ही ऐसा होता है या हर किसी को होता है। ये प्रश्न चारों भक्तों के लिए है। फ्रॉम कमल शाह अहमदाबाद, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। कमल शाह प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद है आपके प्रश्न के लिए। तो इस संसार में आत्मी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही सब चाहते हैं, धन चाहते हैं, वो इस संसार में कोई पावरफुल होना चाहते हैं, कोई चाहते पे बहुत बड़ा मैं नेता बन जाऊँगा, मेरे बहुत नाम होगा, फेम जिसको कहते हैं, नेम फेम, तो सुंदरी स्त्री चाहते हैं, ये सबका इच्छा है, सबका मन में ये एक चाहना है। लेकिन ये जो इसके पहले जो हम लोग का क्वेश्चन था, जो चित्तों को कैसे हम लोग मार्जन करेंगे, जब हम लोग चित्तों को मार्जन करेंगे तब तो ये भावनाएं धीरे धीरे चले जाएगा। जैसा हम लोग शिक्षा अष्टकम को अगर फॉलो करें तो पहले श्लोक में बताते हैं कि हरिनाम का परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन यज्ञ का जय हो, क्यों क्या करते हैं, चित्त को मार्जन करते हैं, बहुत आनंद देते हैं, विद्याबुद्ध जीवन है वो। लेकिन हमको नाम ने, भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि भगवान के नाम में भगवान सारे शक्ति दे दिया। तत्तरार्पिता नियमित स्मरण न काल हो, इसमें कोई नियम भी नहीं दिया कि कोस कौन समय में जप करना है, किसी भी समय में आप जप कर सकते हैं। आप बोले कि मैं जप कर रहा हूँ फिर भी मन में ये है, तो आपका प्रश्न का उत्तर इसके पहले भी लगभग बहुत सारे आ गया था, फिर भी हम इसको और रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, जैसा धन, जन और स्त्री, ये तीन चीज़ बहुत आकर्षक, और इसी के कारण हम लोग इस भौतिक जगत में हैं। श्री प्रभुपाद बताए कि स्त्री के प्रति जिसका जितना आकर्षण कम हुआ वो उतना कृष्ण भावनामृत में डेवलप किया, ये समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का स्त्री के प्रति आसक्ति चले गया पर नहीं रहेगा, एक बार शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला है, स्वामी जी प्रभुपाद में तो ऐसा हो गया कि अभी मैं ऐसा हो गया, शुद्ध हो गया, कोई भी स्त्री को देखता हूँ तो मेरा चित्त तो ऐसा विक्षिप्त तो नहीं होता है, पूरा स्थिर रहता है, इच्छा नहीं होता है, जो भी है। तो प्रभुपाद ने और दूसरा एक भक्त को बुलाया, बोला इसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाओ और इसको देखो क्या प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा होता नहीं, ये सब के मन में ये सब भावनाएं रहता है, लेकिन इसको कैसे हैंडल करना है ये हम लोग को सीखना है मेनली, कैसे हैंडल करना है। तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर उसने बताए कि जो मन तुम्हें किशोर वैष्णव, एक उनका कविताएं हैं, वैष्णव किसको कहा जाए, तो उसमें भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा, तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर दारे सेव माधव, कामिनीर काम नहे तब धाम, ताहार मालिक केवल यादव। मतलब तुम्हारा कनक, हम लोग का जो धन है इसको हम लोग कहना क्या करना है, तुम्हारा कनक भोगेर जनक, ये भोग का जनक है, राजा है, तो कनकेर दारे सेवह माधव,
तो ये कनक के द्वारा ये जो धन संपत्ति के द्वारा हम लोग को भगवान की भजन करना है। हाँ, और कामिनीर काम अर्थात स्त्री का जो काम है ये कामिनीर काम नहे तब धाम, ये आपका लिए नहीं है। नहे तब धाम ताहरा मालिक केवल यादव, यादव मतलब भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो ये से सोचना चाहिए कि स्त्रियों का हम की हमारा भोग के लिए नहीं है, वो तो भगवान की भोग के लिए हैं, वो तो भगवान की सेविकाएं हैं। हाँ, तो ऐसा सोचना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, इसके लिए अगर किसी का मन बहुत विचलित हो रहा है तो उसको क्या करना है कि उसको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अगर मन ज़्यादा उधारी जा रहा है तो आपको वैदिक अनुसार वैदिक नियम के अनुसार आपको शादी करना है, तो एक अच्छे जो वैष्णवी कोई माताजी हो उसके साथ, जिसके साथ आप भविष्य में बहुत अच्छे से आपको वो आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। इसी प्रकार कोई वैष्णव के साथ आप शादी कर सकते हैं, शादी करके भी दोनों अच्छा से आप लोग भगवत धाम जाने के लिए गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक स्त्रियों के साथ रहना है और ब्रह्मचारी जीवन बिताना है, तो इस प्रकार से आगे आप जा सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, इसको आपको सब हैंडलिंग करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए अर्थ चाहिए सब कुछ। और इस प्रकार से अच्छे वैष्णवी माता जी भी चाहिए जो आपको सेवा में हेल्प करेंगे। ऐसा बहुत सारे देखा गया कि गृहस्थ हैं तो वो गृहस्थ लाइफ में भी बहुत इतना अच्छा सेवा करते हैं, तो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी जैसा दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छा से हैंडलिंग करना है। स्त्री के प्रति जो आसक्ति है ये तो रहेगा, लेकिन भगवान के नाम अच्छा से जप करना है। जितना भी आते रहे आप क्या कर सकते हैं, आने दीजिए और आप अच्छा से और जप करते रहिए, और उसको आप वहाँ से मुक्त होने के लिए प्रयास कीजिए और भक्तों का संगत कीजिए। हाँ, और इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है भुक्ति मुक्ति सिद्धि का, भुक्ति मुक्ति जो भुक्ति और मुक्ति से जो भक्तों का आसक्त नहीं है उसमें इस प्रकार भक्तों का संगत करना है। अच्छे भक्तों का संगत करेंगे तो धीरे धीरे आपका हम लोग का मन से वो आसक्ति चले जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे बोल। तो प्रश्न इस प्रकार था कि ये जो भावना है, ये जो चिंतन, ये सिर्फ मेरे अंदर आता है या सबके अंदर है? तो मैं पार्टिकुलर में प्रवीण प्रभु जी से भी पूछ रहा हूँ, संकीर्तन प्रभु जी से भी पूछ रहा हूँ, ये भावनाएं सबके अंदर है, उनका जो प्रश्न है। हरे कृष्णा। तो सागे कमल साहा। हाँ, तो कमल साहा प्रभु जी, जैसा आपने प्रश्न किया है, आपकी उम्र मैंने देखी उसमें 22 साल है। तो इस प्रश्न का उत्तर जैसा प्रभु जी ने बताया कि यदि कोई ये कहे कि मेरे अंदर नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि जाके इसको डॉक्टर को दिखाओ। यानी कि आप जब तक हैं आपके अंदर ये रहेगी। इसके बाद एक लोक कहानी भी है अकबर बीरबल की, जिसके अंदर में अकबर ने एक बार प्रश्न किया था ये कि कौन सी चीज़ है जो आदमी नहीं छोड़ पाता मृत्यु तक। तो बीरबल ने यही उत्तर दिया था, तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि मृत्यु तक, अरे वो बूढ़ा आदमी, वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो उसके अंदर कैसे आ सकती रह सकती है। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं इसे प्रमाणित करूँगा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोई उनका वरिष्ठ मंत्री था, वो एकदम डेथ बेड के ऊपर है, मृत्युशैया पे है। तो अकबर के पास बीरबल आया और बीरबल ने कहा कि आप फटाफट तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है, और आप अपनी पुत्री को भी साथ में ले लीजिए। तो वो दोनों तैयार हो गए और वो चले। उन अकबर को पता था कुछ ना कुछ बीरबल खुराफात कर रहा होगा। तो जब वो गए तो उस कक्ष में जहाँ पे वो मृत्युशैया पे विराजमान हैं हमारे जो उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, तो घुसने से पहले ही बीरबल ने कहा कि कक्ष के दो द्वार थे, तो उन्होंने कहा कि अकबर महाराज, आप मेरे साथ एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे और आपकी पुत्री को कहिए कि वो दूसरे दरवाजे से प्रवेश करें। तो अकबर ने कहा ठीक है। और फिर जब ऐसे दोनों अलग अलग प्रवेश करते हैं तो एक तरफ बादशाह आ रहे हैं जिसकी उसने 70 साल 80 साल सेवा की है, और दूसरी तरफ उनकी बहुत ही सुंदर सुकन्या आ रही है।
तो उस व्यक्ति का स्वाभाविक तौर पर, वो मृत्युशैया पे था, स्वाभाविक तौर पर उसका ध्यान जो है वो देखा कि वो उसकी पुत्री की तरफ था। तो इस तरह से बीरबल ने प्रमाणित भी किया कि हाँ लास्ट तक, मतलब मृत्युशैया तक इस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, हम जड़ संसार में हैं ये हमें मान लेना चाहिए कि हाँ है। अब हाँ, ये जो ऐसा आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा आना, तो इसके बारे में मैंने भी अपने शिक्षा गुरु से प्रश्न किया था, तो उन्होंने मुझे एक उत्तर दिया था कि साधारणतः यह होता है कि 25 से 30 साल तक यह जो भावना है ये बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है, तो यह हमें मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है उस समय तक, तो आप इसे एबनॉर्मल ना समझें, अस्वाभाविक ना समझे, ये स्वाभाविक है। लेकिन 30 के बाद में धीरे धीरे ये अपने आप ठंडी होने लगती है, तो ये इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती जितनी आज आपको प्रभावित कर रही है। आज आपकी जो उम्र है उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो आप इसे ऐसा ना समझें अस्वाभाविक चीज़ हो रही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, इसको आप कैसे बच सकते हैं इससे, ये आपको देखना है। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि आप वरिष्ठ भक्तों का जितना, वैरागियों का जितना आप संग करेंगे, ये मेरी माता जी कहा करती थी कि वैरागियों का संग ना करें, जब मैं सेकंड या थर्ड ईयर में था कि तुम्हें वैराग्य आ जाएगा, और तब तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन तब उनके मन में था कि हाँ यदि ज़्यादा ब्रह्मचारियों का संग करेंगे तो वैराग आ जाएगा, और ये सत्य बात भी है। तो आप यदि ज़्यादा ब्रह्मचारी संग करेंगे, आपके वहाँ पे जो इस्कॉन है वहाँ पे जो ब्रह्मचारीज हैं उनके साथ में आप ज़्यादा रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ सेवा करेंगे, उनके साथ संकीर्तन में जाएंगे या मंदिर के किसी भी अनुष्ठान में उनके साथ में रहेंगे, मंदिर के अंदर में माताएं भी हैं, मंदिर के अंदर में गृहस्थ भक्त भी हैं, मंदिर के अंदर में ब्रह्मचारी भी हैं, तो आप कहाँ पे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप यदि उनके साथ हैं तो आप देखेंगे कि आप बच जाएंगे, जैसा प्रभु जी ने कहा यदि हम ऐसे शांत लोगों के साथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक अपने आप से ही यह होगा कि कम हो जाएगी, वह उस समय के लिए आप बच जाएंगे। तो अब आपको यदि बहुत ज़्यादा टेंशन है कि बहुत ज़्यादा होता है मेरे को, एबनॉर्मल हूँ मैं, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा संग करिए उनका और आप इससे निवारण पा सकते हैं। इसके बाद 25 से 30 के बाद जैसा प्रभु जी ने कहा कि आपको यदि ऐसा लगे तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चिंता भावना अभी से ना हो, क्योंकि कहा गया कि 25 साल कम से कम गुरुकुल में रहना चाहिए, तो 25 साल कम से कम आप ब्रह्मचारी रहने की चेष्टा करें, उसके बाद सोचें कि हाँ अब मेरे को किधर जाना चाहिए, और फिर आप वैसे ही डिसाइड कर सकते हैं। यदि प्रवीण प्रभु कुछ बोलना चाहें। हरे कृष्णा। शायद प्रश्न कठिन है इसलिए सबसे चर्चा की जा रही है। इसका मैं एक उदाहरण सोच रहा था, जैसे हम कई बार एकादशी रहते हैं, बहुत सारे लोग इवन निर्जला एकादशी भी करते हैं, तो एकादशी मान लीजिए निर्जला एकादशी करते हैं तो हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, पर यदि मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे अन्य भक्त प्रसाद ले रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छा डिश हमारे सामने महाप्रसाद भोग लाया जाता है, तो क्या हमारे अंदर इच्छा ही खत्म हो जाती है एकादशी के खाने के दिन? ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर इच्छा रहती है, परंतु फिर भी चूँकि हम दृढ़ रहते हैं कि नहीं मुझे एकादशी का पालन करना है, एक दिन की ही तो बात है, तो मैं किसी भी तरह करके मुझे मैं आज भक्तों की सेवा करता हूँ, और ऐसे वैसे यदा कदा जप करते हुए अलग अलग चीज़ों में भक्ति के अलग अलग चीज़ों को करते हुए हम पूरा दिन निकाल देते हैं और अगले दिन तक हम बिना कुछ खाए पिए रह जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपना इस जीवन काल में जी रहे हैं तो कभी विचार ही नहीं आएगा, जैसे बाकी प्रभु जी ने बताया विचार आता है, परंतु यदि हम दृढ़ता के साथ प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हम जो चीज़ हम प्लान करते हैं, जो कमिटमेंट लेते हैं स्वयं से, उसमें पूर्ण नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी हमें उससे हताश नहीं होना चाहिए और फिर जो नेक्स्ट चीज़ है उसे करना चाहिए। एक और प्रसंग जो मुझे याद आ रहा है, जैसा एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों से मिलने के लिए स्वयं गोपी वेश पे जाते हैं, क्योंकि तब ऐसा हुआ करता है कि दिन के समय में कोई मेल मेंबर पुरुष घर के अंदर नहीं जा सकता था, तो भगवान को अपनी पटरानियों से मिलने की बहुत इच्छा हुई तो गोपी बन के अंदर जाते हैं, तो इतने में उद्धव जी उनको देखते हैं, यद्यपि कि कृष्ण भगवान गोपी रूप में थे, परंतु उन गोपी को देख उद्धव के मन में अत्यंत आकर्षण आता है,
तो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे किसी स्त्री के प्रति ऐसा आकर्षण आ रहा है। तो बाद में जब वो उनको देखते हैं, जब बाद में वेरीफाई करते हैं, पोल खुलती है उनकी, तो पता लगता है वो गोपी स्वयं कृष्ण ही थे। तो एक्चुअली ऐसा बहुत जो शुद्ध वैष्णव है उनके वही हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से आकर्षित हो, बाकी किसी चीज़ से आकर्षित ना हो। परंतु अगर हम सामान्य जन की बात करें तो डेफिनेट है कि वह अलग अलग जो भौतिक चीज़ें हैं उसके प्रति उसका आकर्षण हो सकता है। परंतु अगर यदि हमारा आकर्षण है तो हमें और दृढ़ होना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि यह जो आकर्षण है भौतिक चीज़ों से है, इस आकर्षण को मुझे कृष्ण की तरफ मोड़ना है, है ना। तो जितनी बार भी विचार आए उतनी बार हमें और कमिटमेंट लेना है। तो एक्चुअली सही कमिटमेंट की डेफिनेशन यही है कि जितनी बार कमिटमेंट लेने का मतलब है कि जितनी बार हम कमिटमेंट को ब्रेक करें फिर से हम और दृढ़ता के साथ उसको लें कि हाँ इस बार मैं अच्छे से प्रयत्न करने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। अति सुंदर। तो सारांश में जो तीनों प्रभु जी अपना अपना मंतव्य प्रकट किए, अपने अपने जीवन का अनुभव बताए, शिक्षाएं जो हमारे केशव गोपाल प्रभु जी उदाहरण दिए कि अगर कोई इतना मन विचलित हो और उसके उसको खंडन करते हुए हमारे संकीर्तन प्रभु जी बोले कि इसका मतलब ये नहीं कि मन में विचार है तो तुरंत जाके शादी कर ले, कम से कम 25 साल तक गुरुकुल में अर्थात इस्कॉन में बिताना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम। और उसके उसको और डिटेल में हमारे प्रभु जी बताए, प्रवीण प्रभु जी, कि जैसे एकादशी होता है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी हम लोग करते इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में खाने की भावना, पानी पीने की प्यास सब कुछ बुझ जाती है, बल्कि वो भावना रहते हैं, लेकिन हम लोग उस दिन दृढ़ संकल्प से ये डिटर्मिनेशन लेके चलते कि आज नहीं खाऊंगा, खाएंगे कल से पूरा एकदम 4-5 पढ़कर 56 भोग खाएंगे, लेकिन आज नहीं खाएंगे। तो यही चीज़ अगर हम लोग इस सूक्ष्म चीज़ को अगर बृहत करके देखें कि ये जो हमारा जीवन है अनंत जीवन में से ये जीवन कुछ भी नहीं है, आत्मा जो है ना अजो नित्य, ये अनंत काल से है, ठीक है ना, इनका कभी जन्म हुआ था ना कभी जन्म लेगा। ये भगवान जब से इस संसार को बनाया और भगवान जब से है इस संसार, ये भौतिक जगत बनाने से पहले से भगवान विद्यमान है, तो तब से आत्मा भी है, न हन्यते हन्य माने शरीर। तो 60 वर्ष की जीवन में अगर एक जीवन, जैसे श्रील प्रभुपाद श्रीमद भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज को बोले थे कि इतने सारे जीवन तो आप ये सब इंद्रिय तृप्ति में बिताए, जस्ट ये जीवन आप कृष्ण को दे दो, फिर देखो आगे क्या होता है। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होगा, इतने सारे जीवन में अगर एक जीवन अगर इंद्रिय भोग नहीं किए तो। और ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को वही चीज़ बता रहे कि ये जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन तप करने के मिला है, तपस्या करने के लिए, इंद्रिय भोग तो शुकर कुकर भी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका जो प्रश्न था प्रभु जी, कमल शाह प्रभु जी, ये प्रश्न नॉट ओनली सिर्फ आपका, इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का प्रश्न है। जो प्रभु जी उद्धव का उदाहरण देके बताए कि ऐसे ही कोई परम हंस महान भक्त होते हैं जो साधारण काम वासनाओं में किसी नारी का रूप से आकृष्ट नहीं होते, लेकिन कृष्ण जब स्त्री बन के आई उसमें आकृष्ट क्यों हुए। इससे और एक चीज़ प्रमाणित होता है कि कृष्ण इतने सुंदर है कि हर कोई आकृष्ट होगा। शिव जी वो ऐसे किसी नारी के प्रति आकृष्ट नहीं होते, इवन उनकी वाइफ के ऊपर भी, लेकिन जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए तब वो आकृष्ट हुए। तो इससे पता चलता है कि जो कृष्ण जो है ना, ये कामों के काम मदन मदन मोहन और राधारानी मदन मोहिनी, तो वही गोपी के रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण इंटर करना चाह रहे थे, उद्धव ने देखा इसीलिए मन विचलित हुआ। तो जो भी है, जो हमारे संकीर्तन प्रभु जी बताए कि श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल देके उसको डॉक्टर दिखाने ले जाना है, तो ये सब का होता है, नेचुरल बात है। प्रभु जी विभिन्न एग्जाम्पल दिए, 25 से 30 साल की जो 5 साल की जो उम्र है उसमें हर किसी का ये स्वाभाविक है,
चाहे वो ब्रह्मचारी अवस्था में रहे या किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी तरह का ड्रेस पहन कर रहे, वो विचलित करता है। चाहे आश्रम में रहे, गृहस्थ में रहे, आपका पुलिस फोर्स में रहे, वो विचलित करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये लास्ट राउंड है हमारा, क्योंकि समय सीमा पार होने जा रहे हैं, तो इसीलिए 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे केशव गोपाल प्रभु जी के लिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधक के आसपास स्त्री की मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी साधक के मन में स्त्री देह को भोगने का विचार आ सकता है। और हमने ये भी देखा कि जमुना जी के जल में 20,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी केवल मछली को संग करते देखते हुए उन्होंने मानधाता के 50 कन्याओं से शादी की। मेरा प्रश्न ये कि हमारी तपस्या इतनी कठिन नहीं है, केवल माला करते हैं, तो हम किस प्रकार इससे बच सकते हैं? मतलब समझे क्या बोलना चाह रहे प्रभु जी, कि उस समय वो इतना 20,000 वर्ष तक पानी के अंदर तपस्या किया था, फिर भी कोई मूवी में कोई सुंदर स्त्री को नहीं देखे, जस्ट मछली का मैथुन क्रिया देखकर उनका मन विचलित हुआ। और हम लोग तो ना तपस्या करते, जस्ट माला करते हैं, और वो भी क्या बोलते हैं, मन इधर उधर भटकाव रहता है और इसी अवस्था में माला करते हैं, तो कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं? यू कैन परसेप्ट। किसका प्रश्न है? वही प्रभु जी का है, उनका बहुत बड़ा लिस्ट है। तो प्रभु जी आपका सेम क्या नाम बोले? कमल शाह। कमल शाह, तो बहुत अच्छे है, आपके प्रश्न को फिर प्रभु जी उसी का डिटेल्स कर रहे हैं। तो ये जो आप जो बताए हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन इसमें चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग आश्रम के बारे में बताए हैं। जो सन्यासी है उसके लिए ये बहुत डेंजरस है, जो सन्यासी है उसको तो स्त्री से बहुत बच के रहना है, क्योंकि आश्रम का एक मर्यादाएँ होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है उसमें उसको सार है, उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो परिवार के साथ रहना है उसको, तो अपने बच्चे को देखना है, अपने बेटी रहती है, अपने श्रीमती रहती हैं, अपने वाइफ और बहुत सारे रिलेटिव को लेकर चलना पड़ते हैं। अभी मान लीजिए कोई गृहस्थ हो और उसको बेटी उसके गोद में आना चाहेंगे, उसको तो गोद में नहीं लेंगे क्या? वो तो लेना है ना, स्त्री के साथ स्त्री के जैसा हस्बैंड जैसे व्यवहार करना है। हाँ, तो ये जो बात है ये देखना पड़ेगा अब कौन लेवल में है। हाँ, जैसा चाणक्य पंडित तो वो बताए कि मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लष्टपत आत्मवत सर्वपतेशु जब पश्यति स पंडिता, है ना, मातृवत परदारेशु। तो दूसरे स्त्री को माँ के तरह से देखना है, सबके स्त्री को, और इस प्रकार से आगे बढ़ना है। मेनली ये बात है कि चेतनाएँ का, तो जो मानधाता का जो 50 पुत्री को शादी किया, क्या ऋषि ने, सौवरी ऋषि, तो सौवरी ऋषि का क्या प्रॉब्लम था कि सौवरी ऋषि उसने गुरुदेव के चरण में अपराध किया था। वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस होता है, तो इसलिए हम लोग को वैष्णव अपराध से बचना है। तो हम लोग को टाइम दिया गया 3-3 मिनट है ना, तो इसको मैं डिटेल्स नहीं करूँगा। तो वैष्णव अपराध से बचना है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब से बच के हम लोग को भगवान के नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम इतना अच्छे हैं, बताएंगे कि ये के नाम अगर कोई अच्छा से करे तो हाँ उसका ऐसा कोई शक्ति नहीं है कोई जीवात्मा की कि कितना करोड़ों जन्म तक इतना पाप नहीं कर सकते, जो एक नाम उसका इतना पाप से मुक्त कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी महाप्रभु फिर बताए कि उस शास्त्र में बताए कि कोटि जन्म करे यदि नाम और संकीर्तन, कोटि जन्म नाम संकीर्तन करने से भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा,
हाँ ऐसे भी बताया गया है। तो कैसे कृष्ण नाम करने से नहीं मिलेगा, या हम लोग अपराध भी करेंगे और भगवान के नाम भी जप करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो नहीं होता है। इसलिए भक्तों वैष्णव अपराध से हम लोग को बच के चलना है, सेवा अपराध से बच के चलना है, नाम अपराध से, ये सब बहुत सारी चीज़ है। जैसा हम लोग कुछ मेडिसिन खाते हैं तो साथ ही साथ जो कुछ नहीं करना है कुछ करना है, ये सब विचार करना है। तो अब इतना इस चीज़ को इतना ज़्यादा आप ज़्यादा अगर इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो वो आपको ज़्यादा परेशानी करेगा, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। मन को ये आप बोलते रहिए शादी तो करूँगा, क्या है इतना लड़की है संसार में आपके लिए नहीं है क्या, मिल जाएगा, आप उम्र होने दो तो मिल जाएगा। आप अभी मन को स्थिर करके भगवान के नाम कीजिए और आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चलने के प्रयास कीजिए, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप नहीं दीजिए। हाँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो आप ज़्यादा परेशानी हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया कि एकादशी के दिन आप खाना नहीं चाहते तो आपको ज़्यादा परेशानी करेगा, है ना, ज़्यादा परेशानी करते हैं तो आपको क्या करना है, आपका ज़्यादा खाने का यह है तो खा लीजिए, खा के फिर अच्छा से आप एकादशी के दिन जो एकादशी का प्रसाद होते वो भगवान के प्रसाद के रूप से लेकर फिर आप भगवान के नाम जप कीजिए। हाँ अगर वो नहीं खाना है तो मेंटेलिटी ऐसा ये कीजिए और वहाँ से दूर में रहिए। तो इसलिए सौभ्र ऋषि का जो पतन हुआ उसका कारण था कि वैष्णव अपराध था। अच्छा तो महाप्रभु विशेष करके सन्यासी को उसको बताया कि उसको तो इस बहुत दूर में रहना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया कि स्त्री का क्या है, स्त्री का मूर्ति का क्या है, स्त्री का वस्त्र देखने से भी मेरा मन विचलित हो जाता है। तो ये बहुत आश्रम के अनुसार हम लोग चलना है, तो आप वो आश्रम में नहीं है इसलिए आपको इतना परेशानी नहीं होना है, ये सन्यासी लोग के लिए ऐसा है। और आपको अपने मन को स्थिर कीजिए जो ये सब सब कुछ मिल जाएगा, और आप अच्छा से भगवान के नाम जप कीजिए और ठीक उम्र में आप फिर परिस्थिति अनुसार आपके शिक्षा गुरु व आपके गुरु को पूछ के आप जैसे आपको अच्छा लगेगा, अगर आपके लिए गृहस्थ लाइफ अच्छा है तो लाइन में जा सकते हैं, अगर आपको ब्रह्मचारी लाइफ आपको परेशानी नहीं है तो आप ब्रह्मचारी में रह सकते हैं। पर्टिकुलर आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग के लिए अलग अलग केस है, लेकिन आपके प्रश्न का बार बार एक ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना आशीर्वाद वाणी दिए हमारे कमल शाह प्रभु जी को कि आप अभी छोटे हैं और ये जो है ये सन्यासियों के लिए है, इसलिए आपको उतना चिंता नहीं करना है, ये नेचुरल आएगा। और ये चीज़ मन को देखिए कितना प्रभु जी इतना सुंदर समझाए, बोले कि मन को आप समझाओ कि तुम्हारे लिए भी लड़की है, चिंता मत करो, दुनिया में इतने सारी है तो आपके लिए क्यों नहीं रहेगा। तो मन को ऐसे झाड़ू मारो, चप्पल से मारो, ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो सुंदर भाव से प्रभु जी बताएं। और चलिए तो इसके ऊपर प्रभु जी बताएं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास और दो प्रश्न है, एक हमारे संकीर्तन निताय प्रभु जी के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के ज्ञान की कमी के कारण शास्त्रों को कैसे पढ़े। हरे कृष्णा। असल में आप यदि ये प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद ने म्लेच्छों का उद्धार कर दिया अपने ग्रंथों से। संस्कृत छोड़ो, हिंदी भी नहीं पता उनको, ठीक है, संस्कृत का जो वो भौतिक प्रचलित रूप है वो भी उनको नहीं पता, ठीक है, उनको वो भी नहीं पता, फिर भी उनका उद्धार हो गया, वो शुद्ध भक्त बन गए, वो गुरु बन के बैठे हैं इस्कॉन के अंदर में। तो फिर बाकियों का तो कहना ही क्या है। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ संस्कृत की वजह से मैं शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तो ये गलत भ्रांति है आपकी। आप श्रील प्रभुपाद की कोई भी ग्रंथ उठाएँ, सबसे पहले आप भगवद्गीता ही लें और भगवद्गीता का अध्ययन करना शुरू करें। आप उस किताब को साक्षात अपने सामने लें, तो जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसानी से प्रभुपाद जी ने संस्कृत समझाई है और उसका निष्कर्ष निकाला है, उसका निचोड़ निकाला है और आपको क्या करना है ये भी बता दिया। तो वहाँ पे कुछ भी आपके लिए गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि ओहो मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे अंदर ये अयोग्यता है, कुछ भी नहीं। आपको जिस भाषा में आपको समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है या आपको इंग्लिश समझ में आती है या आपको
उड़िया समझ में आती है आपको, बंगाली समझ में आती है आपको, गुजराती समझ में आती है आपको, रशियन समझ में आती है, जर्मन समझ में आती है, जो भाषा आपको समझ में आती है हर भाषा में उसका अनुवाद भी कर दिया गया है। तो आप दया करके वो किताब, वो ग्रंथ जो है वो लें और उसे पढ़ें। आप कभी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हाँ मुझे संस्कृत नहीं आती इस वजह से मैं ग्रंथ अध्ययन नहीं कर पाया। आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है शरणागति की। तो आप प्रभुपाद जी के चरणों में अपनी आस्था को प्रकट करें। जैसे एक 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 छोटा सा एक छोटी सी घटना थी जो चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी कि वो जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर में एक भक्त को देखा था जो गीता को लेकर के हाथ में बैठ के क्रंदन कर रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी अविरल। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये तो बहुत विरला भक्त है। उन्होंने उसे जाके पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे भगवत गीता समझ में नहीं आती, पढ़नी नहीं आती। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो फिर लेके क्यों बैठे हो? तो बोले लेकिन मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि इसको पढ़ो। तो बोले अच्छी बात है, तुमने हाथ में किताब ले रखी है और तुम्हें समझ में नहीं आती, समझ में आ गया मुझे, और तुम्हें बोला गया इसलिए तुमने हाथ में लिया, तुम्हें गुरु ने आदेश दिया, अब तुम रो क्यों रहे हो फिर? तो वो बताता है कि मैं ये यहाँ पे जो ये फोटो दिख रही है उसके ऊपर में, जिसके अंदर में भगवान कृष्ण जो कि सर्वोत्तम पूरे जगत के मालिक हैं, वो अर्जुन के सारथी बन के बैठे हैं और कैसे वो अपने भक्त के दास होकर बैठे हैं वहाँ पर, ये देख करके मेरा मन विह्वल हो उठा है। भक्त के प्रति भगवान की कितनी निष्ठा है, भगवान की कितनी भक्ति है भक्त के प्रति, ये देख करके मेरा मन विह्वल हो उठा है। तो मैं ऐसे भगवान का ऐसा रूप देख करके बहुत ज़्यादा उद्विग्न होकर के रो रहा हूँ। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनसे कि आपका ही असली असली में भगवद गीता समझना आपका ही हुआ है, मतलब आपका ही जीवन धन्य हो गया, आपने ही समझी है असली, हमने तो किसी ने नहीं समझी। तो अर्थ ये है इसका कि हम कितना चरणों में शरण ले रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितना सुंदर से हम उसको बोल पा रहे हैं संस्कृत को, ये उचित, ये इसका कोई मोल नहीं है। ये तो कर्मकांडी लोग बहुत सुंदर तरीके से करते हैं पर वो उनमें से कोई भी भगवत भक्त कहलाने के लायक नहीं, ना ही कोई योग्य है वहाँ जाने के। योग्य कौन है? वो अनपढ़ गंवार ब्राह्मण योग्य है। तो इसी प्रकार से यदि आप केवल प्रभुपाद जी का कोई भी ग्रंथ लें और उसे पढ़ने का प्रयास करें मन में श्रद्धा रखते हुए प्रभुपाद के ऊपर में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस वही ज़्यादा जरूरी है, किस भाषा में कहा है। मेरा भी ये प्रश्न था एक बार कि ये तो भारत की संस्कृति है, इसे क्यों अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया जा रहा है? तो एक उत्तर दिया था संघर्षण प्रभु जी ने कि भाषा एक माध्यम है केवल मात्र, ये कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो है वो क्या वस्तु आप दे रहे हैं वो लक्ष्य है। तो आपको सोना मिल रहा है वो, या आपको अमृत मिल रहा है वो अमृत, मेरे को तो आपने कांच के गिलास में दिया, उनको चांदी के गिलास में दिया, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, मैं तो नहीं लूँगा ये अमृत, तो यानी कि मैं मूर्ख हूँ सबसे बड़ा। मुझे वो अमृत जैसे भी मिले मुझे वो ले लेना है। तो प्रभुपाद जी ने अमृत दिया है, आप अवश्य लें, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लगा और मैंने किसी से ऐसा सुना भी नहीं कि उसे प्रतीत हुआ हो कि हाँ शास्त्र का ज्ञान मेरे को नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो सारांश के रूप में जो प्रभु जी बताए कि मूल लक्ष्य जो है वो है संस्कृत नहीं, मूल लक्ष्य उसको समझना। जैसे शंकरसन प्रभु का उदाहरण देके प्रभु जी बताए, हाँ जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए आप चाइना में बास करते, आप भारतीय है, चाइना में जाके आपका जॉब लोकेशन, वहाँ पे आप नौकरी करते हैं और आपको चाइनीज आता नहीं, इंग्लिश आता है और वहाँ पे सभी चाइनीज बोलते हैं। जैसे ये मायापुर ये हिंदुस्तान है लेकिन बोलते बंगाली, ये हिंदुस्तान है लेकिन बोलते बंगाली, तो यहाँ पे अगर आपको बंगाली नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो यद्यपि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है बट स्टिल आप चाइना में रहते हैं तो वहाँ पर हर कोई आपसे इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, वहाँ पे सभी एक दूसरे से चाइनीज में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके घर में आग लग गई तो आपको चाइनीज बोलना नहीं आता, आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं और सामने वाली एक जो माताजी है या प्रभु जी है, या माताजी प्रभु जी एक लोग है, वो बकरी चराते हैं या गाय चराते, तो उसको इंग्लिश भाषा नहीं आता तो आप ऐसे बचाओ बचाओ ऐसे कुछ बोल रहे हैं, प्लीज़ सेव मी, त्राही माम, तो आप जिस भाषा का भी प्रयोग करें वो समझेंगे कि आप हेल्प चाह रहे हैं, है ना। तो वही भगवद गीता जो है संस्कृत में, तो एक्चुअली मूल वक्तव्य जो है इसका वो है समझना,
तो समझने के लिए जैसे प्रभु जी पहले ही बता दें कि अगर आप इस्कॉन में हैं या भगवद गीता यथारूप पढ़े हैं तब इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। और एक दूसरा विचार ये भी है, जब प्रभु जी का इतना प्रश्न आ रहा है मतलब उन्होंने जितना पढ़ा है वो हम चारों के अंदर, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उतना पढ़े, क्योंकि इतना सुंदर क्वेश्चन अभी लिस्ट है, 100 प्रश्न भेजे 100, बाकी भक्तगण आप जो लोग देख रहे हैं लेकिन प्रश्न नहीं भेज रहे। अगर कमल साहब प्रभु जी नहीं रहता तो हम लोग आधा बीच में हम लोग को प्रोग्राम रोक देना पड़ता, लेकिन कमल साहब प्रभु जी जो इतना प्रश्न भेजे, 100 प्रश्न भेजे, लिस्ट है लंबा लिस्ट, और प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था या अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, इस तरह का प्रश्न है, एकदम परफेक्ट सच में। अभी लास्ट प्रश्न देखते हैं हमारे प्रवीण प्रभु जी के लिए, 25 नंबर है प्रश्न, कि क्या हम खुद से तीन गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को नियंत्रित कर सकते हैं? सतो तमो रजोगुण से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? मतलब समझ गए, जो तीन प्रकार के गुण हैं, जैसे कहते हैं ना कि नहीं तुम अभी तमोगुण में हो, सतोगुण में आना चाहिए, तो क्या हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल आवर सेल्फ? हरे कृष्णा, फिर से कमल साहब प्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है यह प्रश्न फिर से वही उसी चीज़ संबंधित है कि हम अपने चेतना का कैसे उन्नति कर सकते हैं। मुख्यतः क्या चीज़ अलग अलग गुणों में होती है वो ना हमारी चेतना होती है कि हमारी चेतना रजोगुण में है ज़्यादा या सतोगुण में है, तमोगुण में है, किस गुण में है। तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि इसको इसका उन्नति करें। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि अगर हम साधु संग करेंगे और हमारे साथ भागवत है और हरिनाम है उसका लगातार जप करते रहेंगे तो समय के साथ में डेफिनेटली हमारे चेतना की उन्नति होगी और हम रजोगुण से सतोगुण की ओर आएंगे। हाँ, इसमें अगर यदि वैष्णव का कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अगर हमें वैष्णव की कृपा मिलती है तो डेफिनेटली हम बहुत कम समय में ही अपनी चेतना में बहुत वृद्धि कर सकते हैं, बहुत ही उन्नति हो सकता है। तो हमें निश्चित रूप से जो हमारे चार नियमों का पालन है और 16 माला का जप उसको करें और भगवान से और भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें अपनी शरण प्रदान करें, क्योंकि अगर वो अपनी शरण प्रदान करते हैं तो हम जो हमारे पाप कर्म है या फिर हमारी जो भी चेतना कहीं भी है वो उनमें लगेगी और डेफिनेटली इन तीनों गुणों के ऊपर भी जिसको शुद्ध सतोगण कहते हैं उसमें हम जा सकते हैं। परंतु फिर से वही बात है कि हमें पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में और भक्तों के चरणों में शरणागत करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सुंदर। तो ये जो हमारा अंतिम प्रश्न था, लेकिन एक यूट्यूब चैट में, मायापुर टीवी यूट्यूब चैट में किसी ने कम से कम 50-60 जगह में कमेंट किया, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है उनका जॉनसन विजडम, जॉन विजडम। तो उनका प्रश्न इस प्रकार है कि बोले कि जो रामायण महाभारत ये सब फेक स्टोरी है, सब इल्यूजन है, सब माया है, माया जाल, कोई इसका सत्यता नहीं है। अगर कोई सत्य है तो वो है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली क्रिएटर। तो मेरा उनको जवाब एक ही है कि हर चीज़ के लिए एक प्रूफ देना पड़ता है। आप अदालत में गए हैं, दो वकील हैं, एक बहुत चिल्ला रहा है तो जज क्या चिल्लाने वाला बात को सुनेंगे और वो प्रूफ चाहेंगे? मेरा प्रश्न है, प्रूफ चाहेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द क्रिएटर ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग को बनाया जीसस क्राइस्ट है, तो मेरा प्रश्न है कौन बताया ये? आप तो अकेले पृथ्वी में पहले नंबर वन के व्यक्ति हो जो आप ये चीज़ बोल रहे हो। पहले ये जानना कि जीसस क्राइस्ट, हु इज जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट क्या बोले कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो अगर वो भगवान का पुत्र है तो पुत्रों को बाप बनाया या बाप ने पुत्र को बनाया? मेरा प्रश्न है आपसे। पागल की तरह बात करने से कुछ नहीं होता है। जॉन विजडम, अपना चैनल का नाम जॉन विजडम लिख देने से क्या आप विजडम ज्ञान के अधिकारी बन गए?
हर चीज़ का एक प्रूफ देना है, शास्त्र का प्रमाण देना है। अब मुख में बोल दिया कि रामायण महाभारत फल्स है, हाँ ये इल्यूजन है, तो मेरा प्रश्न हु आर यू टू टेलिंग लाइक दिस, मेरा प्रश्न है आप कौन होते हैं बोलने वाला। एक पागल जाके बोलेंगे मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, तो बोलने में वो बोल सकता है, लेकिन कौन उनको प्रूफ, मतलब ऑथेंटिकिटी कौन दिया उनको। तो आप ऐसे बोल रहे हैं तो आपका बात को कौन सुनेंगे, जिसे कहते हैं ना बंगाल में कि छागोले कीना खाई और पागोले कीना बोले। तो यू आर लाइक दिस मैड, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप कम से कम 50 जगह में कमेंट मारे हैं, तो मेरा आपसे यही सीधा जवाब है कि जीसस क्राइस्ट कभी नहीं बोले कि आई एम दी गॉड, आई क्रिएट दिस वर्ल्ड, मैंने इस जगत का निर्माण किया। जीसस क्राइस्ट सर्वदा यही बोले कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, सन ऑफ गॉड। तो जब मैं भगवान का पुत्र हूँ, तो पहले बाप आया पहले बेटा आया, प्रभु जी कौन आया पहले, बाप या बेटा? पहले बेटा। अगर पहले बेटा आया तो ठीक है, आप राइट है, हम लोग इल्यूजन है, और अगर पहले बाप आया तो सारा दुनिया जानता है, तो बाप है कृष्ण और बेटा है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रोग्राम है, 9:20 हो चुका है, हम लोग प्रोग्राम को यहीं पर विराम देंगे, और आप लोग फिर से ज़्यादा प्रश्न भेजना हमारे प्रभु जीगण, पुनः अगले बार अगले थर्सडे को गुरुवार को आएंगे। तो तब तक के लिए हम लोग कथा को विराम देते हैं ये प्रोग्राम को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।